हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है और एक्सेल में खास किस्म का फॉर्मूला सिखाऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा रो नंबर कौन नंबर है और कौन सा कॉलम नंबर का नंबर क्या है, ये आपको पता लग जाएगा। डेटा जब आपके पास काफी बड़ा होता है तो ये दिक्कत आती। इससे भी पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज शाम को 7 बजे से लाइव क्लास होगी और केवल MySQL और डेटाबेस के ऊपर ये क्लास होगी जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि काफी सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उसी पर आधारित आए हुए थे और बल्कि कई क्वेश्चन तो सेम मिले हुए थे। तो जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या जो BCA के स्टूडेंट हैं वो सीधा जुड़ सकते हैं उस क्लास से। करना क्या है आपको, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और सीधा हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो 7 बजे आज शाम को जुड़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेल पर ये डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और यहाँ तमाम सब्जेक्ट के नंबर लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर स्टूडेंट के जो नाम है उनको जरा गौर कीजिएगा। ये देखिए कितने सारे नाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो यानी एक का पर्टिकुलर आपको रो नंबर जानना हो, कॉलम नंबर जानना हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे अबंडेंट ऑफ डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, इस डेटा का एंडिंग देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ टोटल कर लेते हैं। तो ये तो कई बार मैं बता चुका हूँ टोटल कैसे करना। सबसे पहले फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, फॉर्मूला इक्वल टू से। तो यहाँ इक्वल टू लिख के सम कर दीजिए और यहां से इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और इसको बंद करिएगा, एंटर करिएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज में करना है, ए वी ई आर ए जी ई। तो एवरेज जब लगाएंगे तो ए वी ई आर ए जी ई ऐसे लिखिएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और यहां से चल दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो तरीका सेम है, ठीक है। टोटल को पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 6 सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 6 सब्जेक्ट 600 मार्क्स के हुए। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जो है 600 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है, एंटर कर दीजिए। देखिए जितना एवरेज आया हुआ है उतना ही आपका परसेंटेज भी आया हुआ है, लेकिन तरीका अलग है करने का, देख लीजिए। दोनों का तरीका अलग है ना, देख लिया ना। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में किसका है वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगाइए और यहां से इन सबको सेलेक्ट करते हुए चले जाइए। देखिए तरीके कई हो सकते हैं सेलेक्ट करने के। अब जरा देखिए इसका सेल एड्रेस क्या है, यहां पर देखिए ये जो है 59, इसका सेल एड्रेस क्या है, B2। तो यहाँ B2 लिख दीजिए, कॉलन लगाइए, कॉलन शिफ्ट दबा के, ये कॉलन L के ठीक बाद वाला बटन है, कॉलन, कॉलन लग गया। लास्ट वाला सेल एड्रेस क्या है, ये देखिए ये वाला सेल एड्रेस क्या है, G2। तो G2 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये भी हो सकता है। अब मिनिमम के लिए MIN मिन लगा दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहां पर भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, B2 to G2 है, G2 है ना, तो B2 to G2 लिख के एंटर कर दीजिए, ये भी हो गया। ग्रेड कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, इफ का फॉर्मूला लगा करके आप ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं या स्विच का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद स्विच यूज करके देखेंगे, ठीक है। स्विच से भी हो जाएगा लेकिन पहले इफ लगा दिए, ठीक है। और इस एवरेज को पकड़ेंगे, आप परसेंटेज को भी ले सकते हैं। तो अगर एवरेज बड़ा हो या बराबर हो 85 के, तो कौन सा ग्रेड आए, यहां पर ग्रेड आ जाएगा एस ग्रेड, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे, इफ लगाएंगे, ये एवरेज अगर बड़ा हो बराबर हो किसके, यहां पर हम दे देंगे 75, ठीक है। तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। फिर कॉमा देंगे, इफ लगाएंगे, अगर ये बड़ा हो या बराबर हो 65 के, तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, सी ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे हमने अभी बी नहीं दिया, बी ग्रेड कर देते हैं, बी ग्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, देखिए इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड फॉर्मूला। एक फॉर्मूले के अंदर फिर वही दूसरा फॉर्मूला, फिर वही तीसरा फॉर्मूला, फिर वही चौथा फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले के अंदर जब फॉर्मूला यूज होता है तो इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड फॉर्मूला। फिर ये कर लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हर बार क्राइटेरिया चेंज होगी। देखिए यहाँ 85 था, यहाँ 75 हो गया, यहाँ 65 हो गया, और ग्रेड भी चेंज हो रहा है, यहाँ एस ग्रेड था, यहाँ ए ग्रेड था, यहाँ बी ग्रेड था, और यहाँ पर हम कर देंगे 65। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड आ जाएगा, सॉरी 55, तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा, सी ग्रेड आ जाएगा, सी ग्रेड। तो ग्रेड को जब भी लिखिएगा डबल डॉट कॉमा के अंदर लिखिएगा, फिर इफ लगा देंगे और फिर इसी को पकड़ेंगे, फिर कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार हमने 55 तक दे दिया, 50 कर देंगे। देखिए इफ में दो कंडीशन होती है, या तो ट्रू की या तो फॉल्स की होगी, ट्रू की और फॉल्स की, आई बात समझ में। अब देखिए इसमें ये हो गया, और ये होने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर 50 दे दिया, अब यहां पे हम दे देंगे लास्ट में डी ग्रेड, और डी ग्रेड देने के बाद फिर यहां पे क्या करेंगे, लास्ट में दे देंगे
फेल ग्रेड, या अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टैली ना करती हो तो वो बच्चा फेल हो जाए। और यहां पर ये लगा करके एंटर कर दीजिएगा, यहां पे सी ग्रेड आ गया, देखिए सी ग्रेड आ गया। अब देखिए यहां पर क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं, देखिए 55 या 55 से ज्यादा हो लेकिन 65 से कम हो तो सी ग्रेड आना चाहिए, तो सी ग्रेड आया हुआ है ना, आया है कि नहीं। अब इसमें मैं डबल क्लिक कर देता हूं तो ये आ जाएगा, देखिए बाकी सारे लोग फेल हैं, डी ग्रेड पाए हैं, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, सी डी वाले ज्यादा है, बी वाला एक है। तो देखिए जिसका जैसा नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, या आप कहीं भी इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा डेटा। और आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, क्या प्रेस करना है, Alt H B A, तो ये पूरे पे बॉर्डर लग जाएगा, बॉर्डर लग गया, बॉर्डर लग गया ना। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो टाइटल है आपका, ठीक है, टाइटल को आपको कलर करना है। तो कैसे कलर करेंगे, तो यहां से सिर्फ दबा के इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इधर सेलेक्ट हो गया, इधर का सेलेक्ट हो गया, अब इधर भी करना है तो पूरा करना है तो माउस से भी कर सकते हैं, सिर्फ दबा के भी कर सकते हैं। तो यहां जाकर के और यहां जो भी कलर आप लेना चाहते हो वो कलर आप दे दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया, ये कलर आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमको रो नंबर कॉलम नंबर पता करना है कि कौन सा किसका रो नंबर या कॉलम नंबर है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। देखिए ना, एक आदमी का अगर नंबर निकालना हो तो आंख गड़ा करके ऐसे देखेंगे तो ये पता चलेगा, ऊपर टाइटल चला जाएगा। अगर आपको टाइटल को फिक्स करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखिएगा, टाइटल कहाँ है हमारा, ऊपर है ना, वन में है, कर्सर को कहाँ रखा, टू वाले में रखा। तो अब क्या करिएगा, व्यू टैब पे चले जाइएगा, व्यू टैब पे, और यहां पर आपको मिल जाता है फ्रिज पेन, मिला यहां पे लिखा हुआ है फ्रिज टॉप रो, क्या आप सबसे ऊपर वाली रो को फ्रिज करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, बस हो गया काम। अब आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो टाइटल नहीं गायब होगा, टाइटल गायब हो रहा है, नहीं गायब हो रहा है, तो ये फायदा है फ्रिजिंग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रिज। अब अगली बारी किस चीज की, अब हमें रो और कॉलम नंबर पता करना है, उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर रख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, या नीचे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रख लेते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिनका नाम है, जैसे मान लीजिए गार्जियन आए और उन्होंने बताया कि जय हमारे बच्चे का नाम है या कमाल हमारे बच्चे का नाम है, ये लिखिए के ए एम ए एल, के ए एम ए एल, कमाल हमारे बच्चे का नाम है, और उसका टोटल बता दीजिए हमको। वो आया गार्जियन और कहने लगा कि टोटल बता दीजिए, क्या बता दीजिए, टोटल। तो यहां पे कमाल का क्या पता करना है, टोटल पता करना है। तो टोटल पता करना है तो कैसे करेंगे, पहले हमको रो नंबर और कॉलम नंबर जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। तो रो नंबर और कॉलम नंबर कैसे पता करेंगे, रो नंबर कॉलम नंबर पता करना बड़ा आसान है। देखिए यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि डेटा जब बड़ा होगा तो आप एक एक देख देख करके बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है मैच का फॉर्मूला लगाइए। लगा लिया, यहाँ पे क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू, किसको खोज रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कमाल का रो नंबर खोजना चाहते हैं, रो नंबर, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट करा कमाल, और यहाँ पे कमाल कहाँ मिलेगा हमको, इसी में तो कहीं मिलेगा कमाल, देखिए इसी में मिलेगा ना, इसी के अंदर कहीं कमाल होगा, है ना। तो ये पूरा आपको सेलेक्ट करना है, ये यहां से लेकर के नीचे तक पूरा जाइएगा, जहां तक है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा तो पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये पूरा डेटा हो गया सेलेक्ट, न एक भी कम होना चाहिए न एक भी ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, एक भी कम या ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऊपर का टाइटल नहीं लेना, यहीं तक लेना है, ये ले लिया। अब लेने के बाद क्या करना है, F4 दबा के फ्रिज करना है, तो कीबोर्ड से F4 वाला बटन दबाइएगा, ये F4 है, ध्यान दीजिएगा हम कहां पर हैं, हम यहां पर हैं, तो F जल्दी हो जाएगा और काम हमारा कीबोर्ड से, है ना। तो ये देखिए हो गया, अब यहां से ये हो गया। अब क्या करना है, यहां से F4 दबाना, जैसे F4 दबाएंगे ना तो डॉलर मैंने पढ़ाया था, तो देखिए सबके पहले डॉलर लग गया, ये कौन सा सेल एड्रेस बन गया, एब्सोल्यूट बन गया, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है, ठीक है। पाइथन में भी पढ़ाया जाता है रिलेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। अभी इस पे कॉमा लगा देते हैं, और यहां पर हमको क्या करना है, हमको लेस देन पता करना है कि ग्रेटर देन पता करना है, कि हमें एग्जैक्ट वही डाटा ढूंढना है जो हम सर्च कर रहे हो, हमें तो एग्जैक्ट वही डाटा ढूंढना है, उसके लिए क्या लिखना है आपको, जीरो लिखना है, तो यहां जीरो लिख दीजिए, लिख दिया। अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देखिए ये आपको रो नंबर बता देगा, हम किसका रो नंबर ढूंढ रहे हैं ये भी जरा ध्यान देने वाली बात है, कमल का रो नंबर ढूंढ रहे हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि रो नंबर क्या है। तो यहां पे देखिए ये यहां पे 60 आ रहा है, यानी यहां पर क्या चीज आ गया, यहां पे टोटल आ गया है इनका, क्या आया है, टोटल आया हुआ है, सॉरी यहां पर रो का रो नंबर, एक बार हम यहां पे चेक करते हैं कहां पे कमल है, तो यहां से चेक करते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, ऐसे करके गिनते हुए आ जाइए,
ऊपर एक एक माइनस करना पड़ेगा हमको, याद है ना। देखिए ये वन पे आपका टाइटल है, तो नीचे आइए 60 नंबर पे होना चाहिए। तो देखिए ये 60 है हमारा, ये देखिए 61 पे है ना, तो एकदम करेक्ट आया है ना, 60 करेक्ट आया है कि नहीं बताइए। रो नंबर कितना है कमल का, कैसे 61 है, वन माइनस नहीं होगा। ये देखिए ये टाइटल वन पे है, डाटा आपका कहां से शुरू है बताइए, इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जादू देखिएगा, यहां पर देखिए एक कमाल हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये कमाल का नंबर, मान लीजिए कमाल का रो नंबर नहीं पता करना था, ये देखिए ये आपने लिखा है लड्डू, तो लड्डू का हमें क्या पता करना है, रो नंबर पता करना है। तो यहां पर लड्डू को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो देखिए ना लड्डू का जो रो नंबर है वो कितना है, 50 है, दिख रहा है। अब मान लीजिए कि टोटल का हमें रो नंबर या कॉलम नंबर जो भी हो, टोटल का क्या है, रो है कि कॉलम है बताइए, टोटल का क्या है, रो है कि कॉलम है, बोलिए कॉलम है। तो टोटल का अगर कॉलम नंबर पता करना है तो फिर मैच का फॉर्मूला लगा दीजिए, इस तरीके से मैच का फॉर्मूला लगाइए। और यहां से क्या करना है आपको, यहां से सिंपली किसको पता करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें टोटल पता करना है, टोटल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दीजिए, और टोटल हमें कहां मिलेगा, ऊपर इसी में तो कहीं टोटल होगा, इसी में ना होगा, इसको सेलेक्ट करके F4 करके फ्रिज करके कॉमा देके जीरो दे दीजिएगा, जीरो देके बंद करके एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए टोटल का कॉलम नंबर 8 है, जरा काउंट करिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, तो टोटल कौन से कॉलम में है, 8 नंबर कॉलम में है। तो ये बड़े आसानी से हम पता कर लेंगे, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ गई सारी बातें।